पुराने भारत के मध्य में एक रियासत हुआ करती थी। उस रियासत की बड़ी रानी की गौतम बुद्ध के प्रति बहुत निष्ठा थी। उस रियासत के महाराज देवराज की दो रानियां सुरुचि और सुनिधि थी। राजा देवराज की पहली पत्नी सुरुचि थी, जिसका स्वभाव किसी साध्वी की तरह था। वो गौतम बुद्ध को अपना आराध्य मानती थी और उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करती। उनके साथ उनका बेटा वीर भी खेलता कूदता रहता, लेकिन देवराज का पूरा ध्यान अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि के ऊपर ही रहता। वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इसी खूबसूरती की विलासिता में महाराज खोए रहते और पूरे महल की सुख सुविधाएं दूसरी पत्नी सुनिधि और उसके बेटे सुमंत को ही मिला करती। दोनों ही पत्नियों के राज दुलारों की खिलखिलाहट से पूरा महल जगमग रहता। रियासत के लोगों को भी पता चल चुका था कि उन्हें भावी राजकुमार मिल गया है। लोग सोचा करते कि भविष्य में राजगद्दी में वीर ही बैठेगा, क्योंकि वो बड़ी रानी का पुत्र था। लेकिन समय की लकीरों को कुछ और ही मंजूर था। देवराज की पहली पत्नी सुरुचि का स्वभाव महापुरुषों की तरह था। वो न्याय, धर्म, बौद्ध शिक्षाओं की बातें करती और ऐसे ही संगति में बड़ा हो रहा था उनका बेटा वीर, जो बचपन से ही बड़े गंभीर स्वभाव का हो गया था। जितना मिलता उतने में ही संतोष कर लेता, लेकिन आखिर उसका दिल भी तो एक बच्चे का ही दिल था। समय का चक्कर चलता गया और एक दिन रियासत का दरबार सजा हुआ था। उस दिन भावी राजकुमार के नाम की घोषणा भी होनी थी। सभी अस्वस्थ थे कि वीर के नाम के रूप में उन्हें भावी राजकुमार मिलने वाला है। महाराज अपनी प्रिय पत्नी सुनिधि के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। महाराज बेटे सुमंत को दुलार रहे थे और वीर अपनी माँ के साथ दरबार में बैठा हुआ था। सभी पुरोहितों ने वीर की माँ को बता दिया था कि आज वीर के राज तिलक की पूजा है, उसे तैयार करके लाना। वीर की माँ सुरुचि ने भी बड़े दुलार से अपने राज दुलारे को सजाया, माथे पर तिलक लगाया और ईश्वर के सामने हाथ जुड़वाया। पूजा शुरू होने वाली थी। महल में शंख बजने शुरू हुए। पुरोहितों ने वीर का नाम भी लिया। बालक वीर सौम्य अंदाज में पिता की गद्दी की तरफ बढ़ा और अपने पिता के पांव में अपनी छोटी सी हथेली रख दी। पिता आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाते कि दूसरी रानी महाराज की प्रिय सुनिधि ने वीर को पीछे ढकेल दिया। वीर की आंखों से आंसू गिरने लगे। भरे राज दरबार में गुस्से से लाल रानी सुनिधि ने वीर की कलाई को मोड़ दिया था, उन्हें सिंहासन पर पहुँचने से रोक दिया और अपने कड़े शब्दों से और सख्त आवाज में रानी ने कहा, तुम इस सिंहासन और महाराज की गोद में बैठ नहीं सकते। सिंहासन में बैठने वाला काबिल हो या ना हो, वो चहेती रानी का पुत्र ही होना चाहिए। तुम दासी के बराबर वाली रानी के पुत्र हो। सिंहासन पर मेरा पुत्र सुमंत ही बैठेगा और जो सिंहासन पर बैठेगा प्रजा उसी की इज्जत करेगी, उसी को मान सम्मान देगी। तुम जाओ अपनी माता के पास और बुद्ध की सेवा करो। मेरे रहते तुम्हें मान सम्मान कभी नहीं मिल सकता। आगे रानी ने कहा, जाओ पहले अपना भाग्य बदलो। इसके लिए तुम्हें पहले मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। यह सब सुनकर पूरा राज दरबार स्तब्ध रह गया। सबको आश्चर्य हो रहा था कि आखिर महाराज देवराज कुछ बोल क्यों नहीं रहे। लेकिन महाराज की आंखों के सामने सुंदरता का मोह चढ़ा हुआ था। वो रानी का विद्रोह नहीं करना चाहते थे। अगर वो रानी का विद्रोह करते तो उनकी विलासिता भरी रातें खराब हो जाती। वीर को अपनी सौतेली माँ की बातों से ज़्यादा बुरा अपने पिता के चुप रहने का लगा। कुछ देर बाद वो राजमहल के बाहर चला गया। संध्या आरती का समय हो चला था। वीर की माँ ने उसे अपने पास बुलाया। वीर का चेहरा देखकर वो घबरा गई। वीर ने उनसे कहा, पिताजी हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? अब मैं क्या करूँ माँ? क्या मुझे कभी मान सम्मान नहीं मिलेगा? इसके जवाब में वीर की माँ ने अपनी उंगली का इशारा एक मंदिर रूपी कमरे की तरफ किया। ये कमरा कुछ दूरी पर था और इसमें महात्मा बुद्ध की एक मूर्त रखी हुई थी, जिनके बताए मार्ग पर वीर की माँ चला करती थी। वीर ने इशारा करते हुए पूछा कि वहाँ क्या है माँ? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो महात्मा बुद्ध हैं, वही तुम्हें सिद्ध बनाएंगे। उनके शरण में जाओ बेटा। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। ये पंक्ति सुनते ही वीर के हाव भाव के साथ महल की हवाएं नहीं बदल रही थी। बरसों से खुद के साथ हो रहे भेदभाव को सह लेने वाली रानी सुरुचि अपने कोमल से बेटे की आंखों के आंसू नहीं देख पाई। उन्होंने कहा, बेटे तुम्हारे लिए इस सिंहासन से आगे का सिंहासन बना हुआ है, लेकिन उसको पाना इतना आसान नहीं है। उस सिंहासन तक तुम्हें महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं लेकर जाएंगी। लेकिन वीर को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सा वो सिंहासन है जो राज सिंहासन से भी बड़ा है। उसके कानों में तो अभी भी सौतेली माँ के ताने गूंज रहे थे कि वो अभागा है। लेकिन वीर की माँ ने देर नहीं की और उसे बुद्ध की मूर्ति के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि अब सिर्फ महात्मा बुद्ध ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम उनके बताए मार्ग पर चलो, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करो। तुम्हें पता चल जाएगा कि जीवन का असली सुख कहाँ है।
देव ने सवाल किया कि माँ, क्या बुद्ध का स्थान पिता से भी बढ़कर है? इस भोलेपन पर वीर की माँ को हंसी आ गई और उन्होंने कहा कि वो सबसे ऊपर है, वो महात्मा है। माँ की हंसी पर वीर का दिल आ गया और उसने कहा कि ठीक है माँ, अब से मैं बुद्ध की गोद में ही बैठूंगा, कठिन से कठिन ध्यान करके उन्हें प्रसन्न करूंगा, इनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारूंगा। वीर ने बड़े ही दृढ़ निश्चय आवाज में कहा, देख लेना माँ, एक दिन बुद्ध मुझे अपनी गोद में जरूर बैठाएंगे। रानी अपने बेटे की मासूम बातों को सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने वीर को गोद में उठाया और कहा कि पूरे मन से बुद्ध की बातों का अनुसरण करो। वीर भी गोद से उतरते हुए जवाब दिया कि आज से मेरे आराध्य बुद्ध हो गए हैं। कुछ महीने ही बीते थे कि वीर ने बुद्ध के ध्यान में खोने के लिए राजमहल छोड़ने का फैसला कर लिया। जो लड़का कल तक अपनी माँ के पल्लू से छिपा घूमता रहता, आज महल छोड़कर जंगल जाने लगा। सभी हैरान थे, माँ को भी चिंता हो रही थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ बुद्ध के ऊपर सौंप दिया था। राजमहल और माता पिता को प्रणाम करके वीर बुद्ध ज्ञान लेने के लिए जंगल की ओर निकल गया। महाराज देवराज को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अब भी वो कुछ न कर पाए। करीब कई सौ किलोमीटर दूर जाने के बाद वीर की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षुक से हुई। वो एक कुटिया में रहा करते थे, वहाँ उनके कुछ शिष्य भी थे। वीर ने बौद्ध भिक्षुक से ज्ञान मांगा और कहा कि उन्हें बुद्ध से मिलना है। इसके जवाब में बौद्ध भिक्षुक ने महात्मा बुद्ध की कहानी बताते हुए कहा कि खुद को जान लेना ही बुद्ध को जान लेना है। लेकिन फिर भी वीर ने बुद्ध से मिलने की जिद नहीं छोड़ी। तब बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि तुम अभी आराम करो, मैं कल तुम्हें बुद्ध से मिलाऊंगा। पूरी रात गुजर गई और वीर बुद्धम शरणम गच्छामि का जाप करता रहा। सुबह हुई तो वीर ने बौद्ध भिक्षुक से फिर सवाल किया। उन्होंने जवाब दिया कि अभी मेरी एक अंगूठी खो गई है, उसमें मेरी जान बसती थी, उसे ढूंढ दो, फिर मिलवाता हूँ। वीर भी उस अंगूठी को ढूंढने लगा। सुबह से रात हो गई लेकिन अंगूठी नहीं मिली। फिर बौद्ध भिक्षुक ने वीर को दिया लेने के लिए कुटिया के अंदर भेजा। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि अंगूठी तो अंदर ही संभाल कर रखी गई है। यह दृश्य देखकर वीर को बहुत दुख हुआ और उसने बौद्ध भिक्षुक से कहा कि जब आपने अंगूठी को कुटिया के अंदर रख दिया था तो फिर मुझसे बाहर क्यों तलाश करवा रहे हैं? इसके जवाब में बौद्ध भिक्षुक ने कहा, इसी तरह तुम्हारे अंदर ही बुद्ध विराजमान हैं तो तुम उन्हें बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? खुद को मोह से, सम्मान से, लालच से, दूसरों की बुराई करने से, विलासिता से, हर बुरी आदत से खुद को दूर कर दो तो तुम्हें खुद के अंदर ही बुद्ध मिल जाएंगे। इस सीख से और महात्मा बुद्ध कैसे सिद्धार्थ से महात्मा बने थे, ये कहानी पूरी जानने के बाद वीर को पता चल गया था कि अब उसे बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना है और गहरे ध्यान में डूबकर खुद को जानना है। धीरे धीरे समय बीतता गया और वीर आत्मज्ञान को प्राप्त होता गया। ऊंची चोटी पर पहुंचकर वो ध्यान में लीन हो चुका था। उसने अपने जीवन से सिंहासन की चाहत मिटा दी। उसे अब ऊंचे मन के सिंहासन पर बैठना था। समय के साथ साथ सन्यासी वीर की प्रसिद्धि भी बढ़ती जा रही थी। ये बात मध्य रियासत तक पहुँच गई थी कि पर्वत की शिला में कोई बड़े प्रतापी बौद्ध भिक्षुक ध्यान में मग्न रहते हैं। राजमहल की तरफ से उन्हें बुलावा भेजा गया। रियासत की हालत ठीक नहीं चल रही थी। महाराज का दूसरा बेटा विलासिता में बर्बाद हो चुका था। सुनिधि का सौंदर्य भी खत्म हो चुका था। वहीं दूसरी ओर वीर की समृद्धि और लोकप्रियता दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन था जब वीर को सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं समझा गया था। एक दिन और आया, बौद्ध भिक्षुक के रूप में वीर ने राजमहल में कदम रखा। प्रजा की आंखों में आंसू भी थे और सम्मान भी। महाराजा और सुनिधि हाथ जोड़े ग्लानी में रो रहे थे। वीर की माँ के कानों में भी बच्चे वीर की कही बातें साफ साफ गूंज रही थी। बौद्ध भिक्षुक रूपी वीर ने महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को प्रणाम किया और कहा कि दूसरों की सेवा से बड़ी कोई विलासिता नहीं। कोई भी सिंहासन कोख से नहीं बल्कि काबिलियत से तय होता है। वीर ने राज सिंहासन का त्याग कर दिया और ध्यान करने के लिए मंदिर रूपी कमरे की ओर चलने लगे। वहाँ वीर को देखने वाले लोग महसूस कर पा रहे थे कि जैसे कोई शांति की मूर्ति चल रही हो। बुद्ध की शरण में जाकर एक साधारण सा बालक वीर सिद्ध पुरुष बनकर लौटा था। दक्षिण हिमालय के बौद्ध गांवों की कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि लोगों ने बुद्ध मंदिर में वीर को जाते तो देखा था, लेकिन फिर उन्हें वापस लौटते किसी ने ना देखा था। वहाँ बस उनके बौद्ध भिक्षुओं वाले वस्त्र रखे हुए थे। कहते हैं वीर बुद्ध की गोद में बैठ चुके थे, वो सिद्ध हो चुके थे। अब पता नहीं ये बात कितनी सच है, लेकिन इस कहानी से हमें सीखने को तो यही मिलता है कि ईश्वर, परमात्मा, बुद्ध, इन सब की तलाश बाहर करने से बेहतर अपने अंदर करें, अच्छे कर्म करें,
और दूसरों की सेवा करें। विलासिता के जीवन में कुछ नहीं रखा, लालच और अहंकार से दूर रहें और महात्मा बुद्ध की मानव कल्याण की शिक्षा पर अमल करने की कोशिश करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।